हाँ बेटा देखो, कल अपने दूसरे पर्सन का 13.7 किया, दूसरे पर्सन का पहला कर दिया था, आज उसी का बेटा दूसरा कर रहे हैं। वहां पर देखो आपको एल और आर दे रखी थी, और फिर हमने ज्ञात किया था, और आयतन ज्ञात करना है बेटा। तो आयतन में अपने को आर और एच चाहिए, यहाँ एच है एल है, तो एल और एच की सहायता से आर ज्ञात करेंगे। देखो बेटा, मैंने बताया था आप लोगों को शंकु ऐसे, ये त्रिज्या, ये लंबवत ऊंचाई, और ये है बेटा एल। तो समकोण त्रिभुज का देख फॉर्मूला, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ये देखो बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। देख पाइथागोरस प्रमेय, लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। हमें क्या चाहिए बेटा? आर स्क्वायर। देखो एच ज्ञात है, एल ज्ञात है, एल की जरूरत नहीं है आयतन में, आर चाहिए। तो आर ज्ञात करने के लिए एच को उधर ले जाओ। कैसे बेटा हम आर ज्ञात करेंगे? कैसे? एल का मान दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, एच का मान है बेटा 12 का स्क्वायर। 13 13 169, 12 12 144, 12 को 12 से गुणा करना, 13 को 13 से। आर स्क्वायर, अब बेटा आर स्क्वायर 169 में से 12 169 में से 12 का स्क्वायर यानी 144 घटाएंगे तो बेटा कितना आता है? 25 स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाली संख्या का वर्गमूल, और वर्गमूल आप लोग जानते हो बेटा, 25 का देखो 5 का जोड़ा बना, तो वर्गमूल आ गया 5 सेंटीमीटर। ये आ गया बेटा त्रिज्या का मान, आर बराबर 25 का वर्गमूल 5 आता है, तो ये आ गई आर। अब बेटा शंकु का आयतन क्या करेंगे? शंकु का आयतन फॉर्मूला बेटा आप लोगों को ध्यान है, बेलन के आयतन को 1/3 से गुणा कर दो, शंकु का आयतन आएगा। अब देखें बेटा, 1/3 × 22/7 × r² आर हमने ज्ञात किया, अभी देख 5 × 5 एच है बेटा 12। अब देखें तो 3 से कट जाएगा बेटा, 3 × 12 देखो, बाकी कोई कटता नहीं है, गुणा करते हैं। देखो 25 25 25 × 100, और 100 को बेटा 22 से गुणा करेंगे तो 2200 और 7/5। अब ध्यान रखना बेटा, ये अपने हैं cm³। अब बेटा इसको लीटर में बदलना है, तो लीटर में बदलने के लिए, क्योंकि धारिता बेटा अपने को ज्ञात करनी है लीटर में, तो 2200/7 × 1000। ये देखो बेटा 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, देखो क्या आ जाएगा, 22/70। 2 से कट जाएंगे देखो, 2 एकम 2 2 एकम 2, और 70 कटेंगे 35, और ये बेटा किस में चेंज हो गया? लीटर में। तो कभी भी बेटा सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलेंगे तो 1000 का भाग दे दो। इसी तरह आपको पहले प्रश्न में भी बेटा मीटर सेंटीमीटर क्यूब में उत्तर आया था, उसको लीटर में बदल लेना 1000 का भाग देकर। रखना बेटा आर और एच के बजाय आपको एच एल दे देंगे, या आर और एल दे देंगे। तो इस फॉर्मूले से, पाइथागोरस प्रमेय से बेटा आप लोग इसका मान निकाल लेना आर और एच का, ठीक है? तो पहले वाले में एच ज्ञात की थी और इसमें आर ज्ञात करके ज्ञात किया है, तो ध्यान रखना है ऐसे। अब देखो बेटा तीसरा प्रश्न कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन दिया हुआ है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, और अपने को आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है, और इस प्रश्न में बेटा पाई का मान 3.14 लेना है। देखो प्रश्न में दिया है, किताब में देखिए आप लोग, तो देखिए बेटा शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr² h बराबर 1570। देखो फिर मान रखते हैं, देखो 1/3, यहाँ बेटा 3.14 है पाई की जगह, तो 3.14 आर स्क्वायर हमें ज्ञात करनी है, एच का मान 15 और 1570 आर स्क्वायर बराबर, ध्यान रखना बेटा 1570 नीचे वाले ऊपर, तो 3 है नीचे वो ऊपर गई, और ऊपर वाली नीचे 314, और ये आ गई बेटा 15। पॉइंट हटा देते हैं, तो पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो ऊपर आ जाएगा 100। और अब देखो बेटा 3 के पहाड़े से आइडिया लगाओ, देखो 3 5 15,
तो 314 को बेटा 5 से गुणा करके देखते हैं, देख 5 चौक 20, 2 हासिल के, 5 एकम 5 2 7, 5 3 15, ये देखो आ गया बेटा 15 70। तो 314 एकम 314, ये 5 बार कट जाएंगे, और ये देखो बेटा 5 से 5 3 15, 3 से 3 कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आया बेटा 100। अब स्क्वायर है, स्क्वायर हटाओ तो 100 का वर्गमूल निकाल लेंगे, और आप लोग जानते हो बेटा 100 का वर्गमूल कितना आता है, 10 सेंटीमीटर। कैसे, ये लो बेटा मैं निकाल के भी बता देता हूँ, ये देखो 50 25 5 और 5, दो दो के जोड़े, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लो बेटा। तो आधार की त्रिज्या कितनी आएगी, 10 सेंटीमीटर, ऐसे ज्ञात करना बेटा। तो ध्यान रख लेना, शंकु का आयतन दे रखा है तो आयतन का सूत्र लगाओ, जो मान दिए गए 1/3, पाई का मान 3.14 है, तो पर्सन में दिया हुआ है तो ये लेंगे, 22/7 नहीं लेंगे। यहाँ आर स्क्वायर ज्ञात करनी है, आर एच का मान 15 दे रखा है, नीचे वाली को ऊपर, ऊपर वाली को नीचे, पॉइंट हटा दो, नीचे से पॉइंट हटाया ऊपर लगाएंगे पॉइंट 100, क्योंकि बेटा 2 अंक है तो 100 आएगा, 1 अंक है तो 10, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना। और फिर बेटा 3 के पार्ट में देख, 3 5 15 आइडिया लगा कर हमने देखा, तो ये देखो 5 बार चला जाता है, ये 5 5 3 15, 3 से 3 कट गया, 100 बचा, 100 का वर्गमूल निकालते ही त्रिज्या आ जाएगी। इसके बाद में देखो बेटा एक प्रश्न और लेते हैं, छोटा सा प्रश्न है उसको देखें। 9 मीटर ऊंचाई क्या दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है 9 सेंटीमीटर, और बेटा शंकु का आयतन दे रखा है, शंकु का आयतन दे रखा है 48 पाई और सेंटीमीटर क्यूब, ध्यान रखना। और अपने को बेटा आधार का व्यास ज्ञात करना है, देखो सेम प्रश्न आ गया है, बस यहाँ त्रिज्या ज्ञात करनी है और वहां व्यास, तो क्या करेंगे देखो सूत्र लगाओ बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 48 पाई, तो देखें पाई से पाई कट गया, देखो बेटा 1/3 आर स्क्वायर इंटू एच का मान 9 और बराबर 48, आर स्क्वायर बराबर यह देखो बेटा 3 एकम 3 3 3 9, तो देखो क्या आ जाएगा 3 आर स्क्वायर बराबर 48, आर स्क्वायर बराबर 48/3, और 3 का भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो 16 आ जाएगा बेटा आर स्क्वायर, तो आर ज्ञात करेंगे तो इसका वर्गमूल निकाल दिया, इसका वर्गमूल आएगा 4 4 सेंटीमीटर। अब बेटा अपने को आधार का व्यास ज्ञात करना है, आधार का व्यास, तो व्यास होता है बेटा त्रिज्या का दुगना, तो त्रिज्या जो आई है उसको 2 से गुणा कर देंगे 8 सेंटीमीटर, त्रिज्या व्यास की आधी और व्यास त्रिज्या का दुगना। कैसे बेटा, ये देखो ये वर्त है, ये जो अपना केंद्र है तो इधर भी आर और ये भी आर, तो दोनों को जोड़ेंगे तो बेटा आर और आर कितने हो जाएगी 2 आर, तो ये व्यास होता है पूरा ए बी, ये व्यास और इसकी आधी ये त्रिज्या होती है, तो ये भी आर और ये भी आर, तो आर प्लस आर 2 आर, तो व्यास हो जाएगा बेटा ये, ठीक है। तो इन दो तीनों चारों प्रश्नों को अच्छे तरह से कर लेना आप लोग।